आज हम लोग पढ़ेंगे सन्निकट अप्रोक्सीमेट नंबर या राउंड ऑफ। पहला हमारा है तीन सौ चौवन में दहाई का सन्निकट मान कट मान। तो इसमें पूछा है कि 354 में दहाई का सन्निकट मान, तो ये हो गया मेरा इकाई और ये मेरा हो गया दहाई। तो हम देखेंगे इसमें दहाई का जो अंक है ये 5 है। दहाई जिस अंक को पूछा जाए, कोई भी दहाई 17,000 किसी का भी पूछा जा पूछ सकता है, तो ये दहाई का पूछा है यहां पर। तो दहाई का जब पूछा तो हम लोग यहां से गिनेंगे इकाई दहाई 17, इस प्रकार से हम लोग गिनते हैं। तो इकाई दहाई, दहाई का जो अंक देखेंगे और ठीक उसका पीछे वाला अंक देखेंगे कितना है मेरा ये अंक। अगर 5 से कम रहे, 5 से अगर ये कम रहे तो ये 0 बन जाता है, खुद ही आइए 0 बन जाता है। और अगर 5 से या ज्यादा रहे तो ये जो आगे वाला डिजिट है इसमें 1 जुट जाता है। 3 हो गया, आइए 5 से ये क्या है 4 कम है, तो इसीलिए ये है ये मेरा सन्निकट मान आंसर। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांच सौ 36 में दहाई का सन्निकट मान कट मान। इकाई दहाई इसमें पूछा है ये, तो ये इसके बाद यहां पीछे संख्या देखेंगे। तो 3 का पीछे जो संख्या देख रहे हैं यह है 5 से मेरा संख्या अधिक है, तो 5 से अभी आगे हम बता चुके हैं कि जिस संख्या का निकालने के लिए बोला जाए उस संख्या को देखना है, उसके बाद वाला संख्या को देखना है कि अगर 5 से वह अधिक है तो इसमें एक जुट जाता है, और 5 से कम है तो यह 0 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां से और भी संख्या अगर यदि होता तो वो भी 0 में कन्वर्ट हो जाता। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 तो होगा नहीं, ये एक बढ़ जाएगा 4 0, मेरा ये सन्निकट मान आ गया। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। बारह में सैकड़ा का सन्निकट मान मान। तो सैकड़ा पूछा है, तो सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, ये मेरा सैकड़ा यहां है, तो यहां से पीछे वाला संख्या देखेंगे, ये पीछे का संख्या हम देख लिए, तो पीछे का संख्या मेरा 5 से कम है, तो 5 से कम रहने से वह उसके जितने सारे अंक हैं वह 0 में बदल जाते हैं और यह संख्या ज्यों का त्यों ही रहता है। अगर ये 5 से ज्यादा रहता तो ये बदल जाता, तो आप देख लीजिए 2 यहां 5 है 0 0 मेरा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा यहां पूछा है हजार का सन्निकट मान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का पूछा है। तो यहां पर ये तीन है मेरा, तो अब यहां हम करेंगे दो एक। अब यहां देखिए ये पांच है, पांच से अभी आगे बता चुके हैं कि पांच से कम रहेगा, पांच से कम रहेगा तो यह जीरो में कन्वर्ट होगा, और अगर यदि पांच से ज्यादा या पांच से ज्यादा रहे और पांच ही रहे तो ये यहां पर आके एक जुड़ जाता है। ये पांच है, यह एक जुड़ जाएगा, ये यहां चार हो जाएगा, और जितने सारे हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक, ये मेरा सन्निकट मान हो गया। ये तो मेरा ये जो दशमलव वाला नहीं था तो ये मेरा इजी वे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दशमलव वाला जो संख्या होता है उसको किस प्रकार से सन्निकट मान को निकाल सकेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा 18.6। तो पॉइंट के बाद वाला हम लोग संख्या देखते हैं, पॉइंट के बाद वाला संख्या। तो यह संख्या जो है मेरा, इसका सन्निकट का सन्निकट कट मान मान तो 18.6 का सन्निकट मान हम लोग जानेंगे। तो इसका जो है पांच से यह अधिक है, दशमलव के बाद देखना है, आप ध्यान दीजिए दशमलव के बाद वाला संख्या देखना है। तो ये मेरा पांच से ज्यादा है इसीलिए जो है एक इसमें आके जुट जाएगा, तो ये मेरा ये आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 17.2। ठीक है, अब इसका स्थानिक मान, इसका सन्निकट मान, कट मान क्या होगा, यह दशमलव के बाद यह पांच से छोटा है यानी कम है, तो कम होने के कारण यह जो है यह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यह जीरो हो जाएगा। दो प्रकार से हम लोग जान गए, और ये देख लेते हैं 25.23 हम लोग का सन्निकट मान कट मान ये हम लोग पढ़ेंगे इसको 25.25, 25.23 हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं इसको, हम लोग पढ़ेंगे 25.25। तो हम यहां दशमलव के बाद वाला संख्या आपको देखने के लिए बोले थे, ये पांच वाला दशमलव के बाद संख्या को देखना है, तो मेरा ये 0.5 यहाँ है, उसके बाद ये पांच से कम है जिसके कारण से मेरा ये सन्निकट मान मेरा ये हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद से ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मेरा आंसर